आज है फ्राइडे फीवर यानी मस्ती का दिन, एंटरटेनमेंट का दिन। और आज इस साल की दो सबसे बड़ी फिल्में मोहेंजोदारो और रुस्तम रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रुस्तम लोगों को कितनी पसंद आई, आइए देखते हैं। अक्षय कुमार has nailed it. बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत बढ़िया मूवी, अच्छी लगी। Amazing, excellent. मूवी तो बहुत अच्छी है, of course, अक्षय कुमार अच्छी लगी। एक नंबर, it was amazing movie. मूवी बहुत अच्छा था। Of course, it was nice. अक्षय कुमार की बहुत बढ़िया एक्टिंग है, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, तो सी ही इज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर, यू नो, लाइक हिज रोल्स आर ऑलवेज चैलेंजिंग। एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू ईशा आल्सो कि वो इतने टाइम बाद एक अच्छे बड़े बैनर में दिखाई दिए और उन्होंने एक कनिंग रोल किया। मूवी के जो प्लॉट है बहुत डिफरेंट है, कंपेयरिंग टू एयर लिपिड्स टोटली डिफरेंट, बट मूवी वाज टू नाइस। हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार, मूवी बहुत ही मस्त थी, बिल्कुल बोर नहीं हुआ, मतलब फुल टाइम एंटरटेनमेंट था, थ्रिलिंग थी। वैसे दोनों ने अपने कैरेक्टर को ग्रिप करके रखा, बहुत अच्छा निभाया उन्होंने रोल, बट क्योंकि मेन प्रेफरेंस इलियाना का था तो इलियाना का मेन फोकस है, तो दैट वाज वेरी गुड। ग्रेट मूवी, अक्षय परफॉर्मेंस वाज गुड, केमिस्ट्री वाज गुड बिटवीन ऑल द स्टार्स एंड इट वाज अ रियल सस्पेंस स्टोरी। स्टोरी मुझे इसका रुस्तम का ही अच्छा लगा, इट्स लाइक रियल स्टोरी एंड एज वेल एज द बहुत सब कुछ अच्छा है उसमें। म्यूजिक अच्छी थी, बैकग्राउंड स्कोर अच्छी थी, गाने भी बहुत प्यारे गाने हैं मूवी के। या सॉन्ग्स आर नाइस, म्यूजिक बहुत अच्छी है। फिल्म में आतिब असलम का जो सॉन्ग है तेरे संग यारा, वो बहुत अच्छा था। मेरे यारा था तो फर्स्ट सॉन्ग, वो बहुत ही इम्प्रेसिव सॉन्ग है और मेरी गाड़ी के अंदर भी वही बज रहा है आजकल। बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे थे, बाकी रुस्तम वही जो एक अलग ही टाइप का सॉन्ग था, बहुत मस्त लगा। आई थिंक इलियाना हैड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अक्षय कुमार के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनका काम बहुत ही अच्छा था। एयर लिफ्ट के बाद वापस उन्होंने ये साबित किया कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और वो नया लेके आए। इलियाना वाज अमेजिंग, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। इलियाना दी क्रूज, आई गो फॉर इलियाना दी क्रूज, क्योंकि ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है एंड अक्षय कुमार है तो ऑब्वियसली। बहुत अच्छी लगी इलियाना की एक्टिंग, अक्षय कुमार का एक्टिंग एक नंबर, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी। मुझे अक्षय ऑब्वियसली अक्षय कुमार, इलियाना भी अच्छा किया है उन्होंने, बट अक्षय कुमार इज ऑसम एज यूजुअल। आई थिंक 5 out of 5, आई वुड से 4.5। 5 में से 4.5, 5 में से 4.5 स्टार, 4 स्टार्स, 3, 5 में से 4.5, 3। रुस्तम वाज ऑसम, आई विल गिव हिम 5 out of 5। ये थी दर्शकों की राय रुस्तम के बारे में, और बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमा पाती ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय।